नमस्कार, समाचार क्यारी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झज्जर पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष रूप से एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराई गई है। FIR के नाम से उपलब्ध यह मोबाइल एप्लीकेशन हर जगह बिना इंटरनेट के भी कार्य करेगी। पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री बलजीत सिंह सिंधु के दिशा निर्देश अनुसार यह मोबाइल एप्लीकेशन SP B. सतीश बालन द्वारा झज्जर जिले में आमजन के लिए उपलब्ध कराई गई है। SP B. सतीश बालन ने बताया कि महिला सुरक्षा एक बुनियादी अधिकार है। शहरी क्षेत्रों और गांवों में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं के लिए निजी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बीच उन्हें कभी कभी सुरक्षा की चिंता भी रहती है। यही वजह है कि इस चिंता के निवारण के लिए एक ऐसा ऐप उपलब्ध कराया गया है जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए सहायक होगा। इसमें महिलाओं को खतरा महसूस होने पर मोबाइल फोन पर हेल्प बटन को दबाना होगा। बटन दबाते ही महिला को कुछ ही देर में उसके पास मदद के लिए पुलिस पहुंच जाएगी। इसके लिए महिलाओं को फर्स्ट इमीडिएट रिस्पॉन्स ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह ऐप उपयोग करने में आसान है और इससे पुलिस को तुरंत सूचना मिलेगी। यह ऐप बिना इंटरनेट के भी हर जगह सुचारू रूप से कार्य करेगा। जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं है वे हेल्पलाइन नंबर 1091 या 100 नंबर का प्रयोग कर सकती हैं। SP B. सतीश बालन ने कहा कि जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा तब तक इस तरह के ऐप भी कारगर साबित नहीं हो सकते, क्योंकि महिलाओं के उत्पीड़न के अधिकतर मामले परिचितों से संबंधित होते हैं। सरकारी अभियानों की सार्थकता तभी है जब लोग अपना मर्म जाने। समझना होगा कि नारी सशक्त तभी होगी जब वह समाज को सशक्त करने में योगदान दे सकेगी। यह ऐप जो ये फरीदाबाद पुलिस की पहल है, तो हम इस पे सोच रहे हैं कि हम इसे पायलट प्रोग्राम पर चालू करें। उनका काफी अच्छा रिस्पांस रहा है, तो उसे सीख लेते हुए एक ये FIR है, फर्स्ट इमीडिएट रिस्पांस है। इस टाइप की ऐप पहले भी बहुत जगह यूज हो रही है कि जो भी अगर डिस्ट्रेस में हो, खास करके जो महिलाएं हैं, उन्हें बस एक बटन दबाना होगा और एक ऐप इंस्टॉल करके, तो हमारे यहाँ कंट्रोल रूम है, वहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा कि वो कहाँ पे है और किसने दबाया है। बेसिकली पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है अपना। अब रजिस्टर कर लोगे तो आप अगर बटन दबाते हो तो फ़ोन नंबर आ जाएगा, आपकी लोकेशन आ जाएगी, जिससे कि हम तुरंत तो उसे कंट्रोल रूम से कॉल बैक करके या फिर हम वहाँ पर पुलिस भेज के हमसे निवारण कार्रवाई करें। ये एक ऐप बहुत सी सिंपल ऐप है, इसे मतलब इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड या मोबाइल के बारे में जानकारी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बटन रहेगा, एक और एक क्लिक पर ऐप खुलती है, दूसरे क्लिक पर आप वो बटन दबा देते हैं। उसके अलावा ऐप में और कुछ भी नहीं है, कोई ताम झाम कुछ नहीं है। इसे बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंट्यूटिव ऐप बनाई गई है और हम आशा करते हैं कि इससे महिलाओं के विरुद्ध अपराध कमी आएगी। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड गिव इट थम्स अप।